सुनो, ऐसे लोगों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, तुम चलो। तेरी भाभी मिल गई। ये है तुम्हारी होने वाली भाभी। क्या चाहिए तुझे? ईशा, मैं सिर्फ सूरज से शादी करूंगी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ ठीक है, लेकिन एक बार वो पहले वाली फिर से पहन के दिखाऊं। सूरज, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यहाँ मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, पता नहीं तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद आऊंगी या नहीं आऊंगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किसी को पसंद ना आओ। क्या? जी माँ। प्यारी लग रही है मेरी बिटिया, इतनी बड़ी हो गई है कि अपना घर बसाने जा रही है। ओहो माँ, अभी ना इमोशनल होने का ना बिल्कुल टाइम नहीं है। जो ड्रेस है ना, इसकी मैचिंग सैंडल है ना, अब जाना है मार्केट। अच्छा, तुम लड़कियां भी ना कोई भी काम टाइम पे नहीं करती हो, जल्दी जाके सैंडल लाओ। जी जल्दी 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 आओ। आज तुझे एक अच्छी चीज दिखाता हूँ। दिखा? वो देख। ओ भाई, ये तेरी गाड़ी है? क्या कमाल गाड़ी है यार, लेकिन तूने ये ली कैसे? इसको तो 3 महीने की बुकिंग चल रही है ना। बता ना तूने कैसे ली। भाई मैंने शोरूम वालों को बोला गाड़ी 15 लाख की है, मैं तुम्हें इसके 30 लाख रुपए दूंगा। शोरूम वाला क्या उसका बाप भी गाड़ी मुझे देके जाएगा? और तू तो जानता है जो चीज मुझे चाहिए मतलब अभी के अभी चाहिए। क्या मस्त गाड़ी है। चल बैठ। दिखता नहीं है क्या, पीछे इतनी बड़ी स्कूटी खड़ी है। सही, ज्यादा चिल्लाओ मत, जितना नुकसान हुआ पैसा लो और निकलो। ए, ऐसा ना, ज्यादा पैसे का रो मत झाड़। तुम दोनों ना हमसे माफी मांगो। हाँ हाँ, आप सॉरी बोलो। मेरा दोस्त किसी को सॉरी वोरी नहीं बोलता। सॉरी। सॉरी, मेरी वजह से आपकी स्कूटी गिरी। मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। कोई बात नहीं दीदी, वैसे भी छोटा सा स्क्रैच आया, कोई बात नहीं। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अदिति। और दीपिका, सुनो, ऐसे लोगों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, तुम चलो। भाई ये क्या था? तेरी भाभी मिल गई। अच्छा, विकास बेटा, आने में कितनी देर कर दी तुम्हें? जा जल्दी से तैयार हो जा। तू मां कोई आने वाले? अरे बहस नहीं, जा जल्दी से तैयार हो जा। बहन जी नमस्ते। अरे जय जी, आइए।
बेटा। आइए बहन जी। जी खुश रहो बेटा, ये है तुम्हारी होने वाली भाभी और ये है इसकी माँ जया जी और ये है इसकी छोटी बहन अदिति। ये है मेरा छोटा बेटा विकास। एक्चुअली हम इनसे मिल चुके हैं और वो भी आज ही। हाँ माँ, जिनकी कार से टकराकर हमारी स्कूटी गिरी थी ना, वो इन्हीं की कार थी। अच्छा, इसका मतलब देवर भाभी में नोकझोंक अभी से शुरू हो गई। हाँ बहन जी आइए बैठिए ना। चलो बेटा चलो बैठ के बात करते हैं। बैठो ना बेटा, बैठिए बहन जी। अच्छा सुनिए ना बहन जी, पंडित जी ने शादी के लिए 3 डेट्स बताए, हम डिसाइड कर लेते उसमें से। हाँ 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 कोई बात नहीं। हेलो मिसेस नैंसी, हम ऐसे ही एक हफ्ते बाद हमारी शादी के रिसेप्शन में डांस कर रहे हैं और रिसेप्शन के बाद हम ऐसे ही हर रात मना रहे हैं। सही था। ये लोग कहाँ रह गए अभी तक, वो नहीं मिलते। अरे बेटा जा जल्दी से अपने भाई को तैयार करके बाहर ले आ, बाहर जाने का वक्त हो गया है। जा बेटा। इनको कहाँ देरी हो गई। लग रहा हूँ ना दूल्हा, पहले मैं मरून कलर की शेरवानी लेने वाला था, फिर तेरी भाभी ने कहा मुझ पे ये कलर ज्यादा शूट करेगी और फिर उसका लहंगा भी इसी से मैचिंग है। और मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बता क्या बात है। ज्यादा आपने मुझसे कहा था कि जो आपका है वो मेरा है और मुझे जो भी चीज चाहिए वो आप मुझे ला के दे। बता क्या चाहिए तुझे। ईशा हाँ भैया, मैं ईशा से बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे उससे प्यार हुआ तो मुझे पता नहीं था वो आपकी गर्लफ्रेंड।
शादी करा दूंगा भैया, मुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज प्लीज भैया, दिमाग खराब हो गया तेरा है? ईशा कोई खिलौना है जो मैं तुझे दे दूं? एक दूसरे से या मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे बहुत खुश रहूंगा और उससे मुझसे भी प्यार करने लगेगी। पर आप बोला शादी बोला प्लीज, आपने बोला तो क्यों एकदम क्यों बंद करिए बकवास और भूल जाओ उसे। वो मेरी भाभी है और दोबारा उसके बारे में ऐसी बात मत कर, वरना छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। नाचने के लिए आ जानी चाहिए। मैं संभालूंगा सबको, भैया को, परिवार को, बिजनेस को, आपको, और जय आंटी के इलाज का भी मैं ध्यान रखूंगा। उनके परिवार को भी बर्बाद होने नहीं दूंगा मां। मैं शादी करूंगा इनसे। शादी? हाँ मां, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए लेकिन इनकी इज्जत के लिए सही है। एक यही रास्ता बचा है उनकी इज्जत बचाने के लिए, तुम्हारी और ईशा की शादी। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सूरज से। मम्मी जी, देवर जी, थैंक यू सो मच जो आप दोनों ने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, लेकिन मैं सिर्फ सूरज से शादी करूंगी क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। यह तो पैरालाइज है, मेरा मतलब है डॉक्टर ने कहा है कि भैया का ठीक होना मुश्किल है। मुश्किल है ना, मुमकिन तो नहीं ना, लेकिन बेटा मम्मी जी सोचिए, अगर ये हादसा शादी के बाद हुआ होता तो या फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता, सूरज मुझे छोड़ देते, नहीं ना, वैसे मैं भी नहीं, कभी नहीं छोड़ सकती,
क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं सबसे अच्छी लड़की है मेरे बेटे को। उषा बहन, मैंने वकील साहब से शादी की सब बात कर ली है, वो आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ बच्चों की शादी आज ही हो जाए। एक्सीडेंट कर दिया, आज क्लास छोड़ दिया, आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? I'm so sorry विकास जी, मुझे लगता है कि मैं तो ज्यादा ही भूल गई। हमारी स्वागत है, आज मैं तुम्हें पूरी रात सोने नहीं दूंगी, समझे? इसमें रोने वाली क्या बात है, देखना बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम दोनों मिलकर एक छोटी सी दुनिया बनाएंगे। जी देवर जी, भाभी डॉक्टर ने मुझे बोला भैया को दवाई दूध में डाल के देनी है, तो ये भैया का दूध और एक दूध आपका बादाम वाला। अरे मेरे लिए लाने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो हमारी हो ना भाभी, इतना तो हक बनता है। ये लीजिए आपका बादाम वाला दूध। थैंक यू। ये दवाई वाला दूध मैं पिलाता हूँ भैया को। हाँ। ये दवाई वाला दूध है, ठीक होना ना, डॉक्टर ने बोला जल्दी ठीक हो जाओगे। और अरे पीजिए ना, सही तो कह रहे हैं। देखो भाभी ने भी बोला अब तो थोड़ा सा पी थोड़ा पी पी और ये ली। अरे भाभी जी आराम से आराम से आइए, बैठिए बैठिए, आराम से आराम से आराम से। चलो भैया उधर, डरिए मत, आज भाभी की स्वागत है, आप तो आज स्वागत मना नहीं सकते, तो ये जिम्मेदारी मैंने उठाई। आप सोचिए कुंडली
लीजिए गर्मा गर्म खीर। से बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, कल भी कब नींद आई पता ही नहीं चला। अरे बाप रे, मैं आज शाम को ही डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेती हूँ। अरे माँ, अभी कल आपकी शादी थी, बहुत सारा काम था इसलिए वीकनेस आ गई होगी। फालतू माँ दवाई देने की जरूरत नहीं है। सूरज, माँ जी देखिए सूरज बात कर रहे हैं। भैया आराम से, खुद को इतनी तकलीफ देने की जरूरत नहीं है आपको। भैया कह रहे हैं कि मैं भाभी का ध्यान रखूं। भाभी अगर दो दिन में ठीक नहीं हुई तो मैं उनको डॉक्टर के पास ले जाऊं, ठीक है? भगवान जी, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मैंने बदल दी है, विटामिन और ग्लूकोज की दवाइयां खाकर तो भैया कभी ठीक होंगे नहीं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं, मुझे कुछ और भी करना होगा। विकास जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली आपकी दीदी ने मुझे बताया कि आपको पानी पूरी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा क्यों ना खिलाने ले चलूं। अच्छा, लेकिन क्यों? क्योंकि जब आप हंसती हो और स्माइल करती हो तो बहुत क्यूट लगती हो। अदिति, आई लाइक यू। क्या तुम भी मुझे पसंद करती हो? सच में? सच में मुझे ना भी बहुत भूख लगी है, तो पानीपुरी की डेट पे चले, लेकिन गाड़ी तुम चलाओगी,
और मैं पीछे बैठूंगा। क्या क्या सच में माँ? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ। माँ मैं बाद में बात करती हूँ ना। अरे देवर जी इधर आइए। बहन के साथ चाट खाने गए थे और भाभी को पता ही नहीं। वो भाभी बस बस ज्यादा बहाने नहीं, खाकर चाट आते हो और मन में शादी के लड्डू फूट रहे हैं। ये सब हुआ कब? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। पता तो हमें भी नहीं चला है। देखो देखो कैसे शर्मा रहा है। वो भाभी मैं आपके लिए कुछ लेके आया हूँ। ये मेरा एक डॉक्टर फ्रेंड है, उसने मुझे बताया कि लड़कियों को कैल्शियम और विटामिन्स की वजह से वीकनेस फील होता है, तो इससे आपको कभी वीकनेस फील नहीं होगी। थैंक यू, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, हमारी शादी भी तो करनी है। आप भी ना भाभी की दवाई खा लिया करो, क्या मस्त नींद आएगी ना। अरे चिल, मैं आपका भाई नहीं, होने वाला बहनोई भी हूँ। मेरी भाभी नहीं, मेरी साली है। और साली तो आधी घर वाली होती है ना। अब तो मैं आपसे हाथ लगाऊंगा। जी डॉक्टर कहिए, क्या वो विटामिन की नहीं नींद की गोलियां है? नहीं आती तुझे, अभी माँ समान होती है। अब आप ये 80s के डायलॉग्स मारोगे? हाँ नहीं आती शर्म मुझे, अच्छी लगती है तुझे। पहली बार किसी लड़की पे मेरा दिल आया है। और अच्छा हुआ सबको पता चल गया यार, होश में दांत पिटाने का मजा ही कुछ। तेरी ये घटिया सोच कभी पूरी नहीं होगी, मैं सबको सच बता दूंगी। सगे बेटे पर भरोसा नहीं करेगी? एक शादीशुदा औरत जिसका पति उसे कभी सुखी नहीं था, मेरी माँ तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगी। और रही बात तुम्हारे घर वालों की, तो क्या बताओगी तुम? तुम्हारी बहन अदिति वो मुझसे बेचारी बहुत प्यार करती है, उसका दिल टूट जाएगा। और शादी टूटने से आपको पता नहीं कितनी इज्जत खराब होगी। भाभी मेरे परिवार वालों की सोच इतनी छोटी नहीं है, दिखावे की इज्जत के लिए जिंदगी बर्बाद करे, समझे?
दीदी दीदी मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दीदी मुझे विकास ने सब बता दिया है। अंकू दीदी से हमने तो सारे प्रिकॉशन लिए थे पर हमें मैं किसी को पकड़ना नहीं। लेकिन दीदी घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने विकास से बात कर ली है, उसने उषा आंटी से भी बात कर ली है। हम लोग दो दिन बाद ही कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ अदिति के साथ। उसकी इज्जत पे कोई भी नहीं उंगली उठा सकेगा। अच्छा अभी आप लोग जाइए। हाँ गुड नाइट बेटी। भाभी भाभी चलो। भाभी तुमने अपनी स्वागत मेरे साथ बना, मैं भी तो अपनी स्वागत तुम्हारे साथ बनाऊंगा ना। नहीं नहीं प्लीज, अगर अदिति को पता चल गया तो। भाभी किसी को कुछ नहीं पता चला, तुम चुप रहो। अरे भैया इतनी रात को शोर मत करो, सबको डिस्टर्ब होता है ना। अरे भाभी इतना बड़ा घर बनवाया भैया ने। गुड टाइम भैया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भाभी? अच्छा लगता है क्या हम डेली रोमांस करते हैं और भैया हमें ऐसे देखते हैं? तुम्हें कितना हर्ट होता होगा, सोचो सोचो। अरे भाभी
भाभी हमें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। नहीं अरे भाभी तो रो रही है, भाभी रोइए मत, आपको तो थैंक यू बोलना चाहिए मुझे। जो काम भैया नहीं कर सकते वो काम मैं कर रहा हूँ। ऊपर साहब थैंक यू भी नहीं बोल रहे, एहसान करो मुझे। कुछ नहीं कुछ नहीं भैया, आ रहे आ रहे। विकास, विकास, भैया को तो बात उनसे निकालना ही भूल गया। विकास आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे वो भैया ना बाथरूम में गिर गए थे, तो भाभी ने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था। ये दीदी इतना रो क्यों रही है, ये क्या हो रहा है? अरे भैया को इस हालत में देख के उनका मन भर आया। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके पास। आइए भैया तो ले आज। गुड नाइट भाभी, गुड नाइट भैया, बाय। शुरू के 3 महीने ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। मां जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अदिति का पूरा ध्यान रखूंगी। बहू जानती है यहाँ से पूरे 2 घंटे की दूरी पे अपनी कुलदेवी की मंदिर है, वहां मैंने होने वाले बच्चे के लिए पूजा रखवाई है परसों। लेकिन वहां मंदिर में सीढ़ियां बहुत है। आप तीनों हुआ ना, मैं यहाँ पर सूरज के साथ रहूंगी। मुझे एक बात बताओ, तुम क्या बोलोगी? ये किसका बच्चा है, कहाँ से आया है? मैं सूरज को लेकर शहर को छोड़कर चली जाऊंगी, और 1 साल बाद जब कोई मुझसे पूछेगा ये बच्चा किसका है तो मैं कह दूंगी मैंने ये गोद लिया है। लेकिन प्लीज प्लीज तुम मुझे मत मारना प्लीज। दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गया? अगर इस घर से जाने की कोशिश की ना तुमने तो जैसे तेरे पति को सीढ़ियों से गिराकर अपाहिज किया था मैंने, ऐसी तरीके है कोई। हेलो क्या
क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग। ओह गॉड यार, ठीक है मैं आता हूँ। ठीक क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, ड्राइवर के साथ जाइए, मैं 2-3 घंटे में पहुँचता हूँ काम खत्म करके। ठीक है, संभाल के जा। सूरज, अपने बच्चे को मारकर ऐसी जिंदगी से जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। अरे भाभी, इतनी जल्दी तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो? छोड़ो मुझे। भाभी, आपका प्यारा पति मेरे पास है, चुपचाप वापस आ जाइए। भाभी भाभी भाभी, काफी देर कर दिया आपने, इन्हें छोड़ दो प्लीज। भाभी आप चुपचाप मेरे साथ चलिए, वरना भैया को इसी पानी में। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पहली बार जब कहता था तो अपाई दो, अब की बार क्या पता भगवान के पास ही चले जाए। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ती हूँ, इन्हें छोड़ दो। तो अब आप ही सोच लीजिए, आप अपने प्यारे पति को बचाना चाहते हो या फिर अपने बच्चे को? विकास, अपने भाई को छोड़ दो वरना गोली मार दूंगा। दीदी। ओह जीजू, सॉरी टू डिस्टर्ब। वो एक्चुअली मेरी मल्टीविटामिन्स की दवाई खत्म हो गई है, तो दीदी से वही लेनी थी। बाय। दीदी छोड़ इसे, इसको भी छोड़, ये विटामिन की नहीं नींद की गोलियां है। नींद की गोलियां? लेकिन ये आपके पास क्या कर रही है? बोलो दीदी। दीदी ने मुझे तुम्हारी सच्चाई बताई थी तो मैंने उन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। सोच भी नहीं सकती कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो सकते हो। लेकिन जब मंदिर जाते समय तुमने मीटिंग का बहाना बनाया, तुम कार से उतर गए, तब मैं समझ गई दीदी जो कुछ भी कह रही थी सच कह रही थी। तुम हो ही ऐसे।